अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं तरसलुल मलाइकातु वरूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमर, फरमाया कि इस रात में सय्यदुल मलाइका जिब्राइल अमीन जमीन पर जलवा फरोज होते हैं, आसमान से उतर कर जमीन पर आते हैं, और फरमाया कि अकेले नहीं आते, उनके साथ फरिश्ते कतार अंदर कतार होते हैं, वो जमीन पर उतरते हैं। अब ये अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं वो जमीन पर उतरते हैं, फरमाया किस लिए आते हैं, मिन कुल्लि अमर, हर एक काम के लिए आते हैं। अब उनके काम क्या है कि अल्लाह सुभान व तआला ही जानते हैं या फरिश्ते जानते हैं हम किन किन मकासद के लिए आते हैं। हाँ, हदीस पाक में आता है आदर सदस्य ने इशारा फरमाया इस रात में जो बंदे अल्लाह के हुजूर खड़े होकर दुआ करने के बारे में अल्लाह हमारी फला हालत को पूरा फरमा फला हालत को पूरा फरमाया, फरमाया कि फरिश्ते इस वजह से उतरते हैं ताकि अल्लाह के इन नेक और बरगुजीदा बंदों की दुआओं पर आमीन कह सके, दुआओं पर आमीन कह सके। यानी इतनी मुकद्दस रातें हैं कि जिब्राइल आसमानों से जमीन पर आता है हमारी दुआओं पर आमीन कहने के लिए। और एक बात जो अपने शौक के मुताबिक है वो भी कहना चाहता हूँ, वो क्या कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रात में फरिश्तों को क्यों उतारते हैं, जिब्राइल को क्यों उतारते हैं या इसी तौर पर दीगर मलाइका को क्यों उतारते हैं, दरअसल उसकी वजह क्या है। मैंने पहले अर्ज किया कि बात हदीस पाक में नहीं, कुरान पाक की किसी आयत में नहीं, मेरा अपना विज्ञान कहता है, अपनी कैफियत कहती है, अल्लाह इस रात में स्पेशली तौर पर फरिश्तों को क्यों उतारते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रात में फरिश्तों को उतार कर दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं ऐ जिब्राइल ऐ मीकाईल इसराफील और दीगर फरिश्तों तुमने साबिका अंबिया की उम्मतों को भी देखा है और उनके अंबिया के जाने के बाद उन उम्मतों का हाल भी देखा है, मगर देखो तो सही उनके जाने के बाद उनकी उम्मतें बदल गईं अपने दीन से अपनी शरीयत से अपने अंबिया के तरीके से। उम्मत मुस्तफा को देखो 1400 साल हो गए इनको अपने नबी से पिछड़े हुए, मगर आज भी उसी तरह अपने नबी के तरीके पर कायम भी हैं, दायम भी हैं, उसी तरह नमाजें पढ़ते हैं, उसी तरह कुरान पढ़ते हैं, उसी तरह जिक्र करते हैं, उसी तरह दुआ करते हैं। जाओ जिब्राइल जाकर उम्मत मुस्तफा को देखो, आज भी उम्मत मुस्तफा अपने नबी के तरीके पर चल रहे हैं। वो अल्लाह फरिश्तों को मुशाहिदा करवाने के लिए, जिब्राइल तूने आदम की उम्मत को भी देखा है, तूने बनी इसराइल को भी देखा है, तूने हजरत इब्राहिम की उम्मत को भी देखा है, तूने ईसा को भी देखा है और उनकी उम्मत को भी देखा है, उनके जाने के बाद उम्मत का हाल क्या हुआ। मूसा 40 दिन के लिए कोहे तूर पर गए, उम्मत ने सोने का बछड़ा बनाकर उसकी प्रस्तुति शुरू कर दी, उस पे साहब इंतकाम करना शुरू कर दिया। देखो मोहम्मद उम्मत मुस्तफा 1400 साल हो चुके हैं आप करी सलाम को गए हुए, आज भी देखो मेरे मुस्तफा की उम्मत उसी तरह इन इस्लाम पर कायम भी है, कायम भी है, उसी तरह तौहीद पर कायम है, उसी तरह नमाज के ऊपर कायम है।